मैं भी कॉलेज लाइफ में 76 में जब मैं कॉलेज में आया था, तो आप शायद जानते होंगे हबीबुल्ला शाकर साहब को मुल्तान से हैं, तो जब वो सदर थे तो मैं उसी यूनियन में मैं भी था। तो पीपल्स पार्टी के साथ मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है। तो जब छोटा होता था, जब भुट्टो साहब आए थे, वज़ीर आज़म बने थे, तो उस वक़्त उनकी तस्वीरें अपनी जेब में रखा करता था। तो बेनज़ीर साहबा जब लाहौर तशरीफ़ लाई, तो उस वक़्त मैं यूईटी में पढ़ता था, तो उनके इस्तकबाल के लिए भी गए, वहाँ पे सारा दिन लगाया। तो ऐसा नहीं है कि भाई पीपल्स पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो बेनज़ीर साहबा जो हैं वो एक मॉडर्न थी, लेकिन उनके अंदर एक सूफियाना वसफ भी था। आप देखें कि उन्होंने सारी दुनिया, मतलब जैसे हमारा जो फेडरल जो फ्यूडल लोग हैं, वो अपने बच्चों को भेजते हैं यूरोप और अमेरिका में पढ़ने के लिए, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि जब वो शहीद हुई हैं, तो उन्होंने एक ख़ास रुतबा मुसलमानों के लिए, जो बड़ी इज्जत का मुकाम है। जैसे आप राबिया बसरी साहबा को तो जानते होंगे, इराक की हैं, कि वो मॉडर्न भी थी, मॉडर्न तो नहीं उस लिहाज से कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपना, जब वो आखिर वक़्त था, तो वो उन्होंने एक सूफियाना तर्ज से गुजारा। मोहतरमा ने हाथ में तस्बीह भी रखी, वर्द भी करती रही, इसलिए वो एक मजमूआ थी। और मैं नहीं समझता कि इस पाए की कोई लीडर और आएगी या इससे पहले हमारे यहाँ थी। बेशक उनका जो ये यौम पैदाइश है, तो उससे हमें उनकी ज़िंदगी के बारे में, जो उन्होंने तरीका इख्तियार किया और जिस तरीके से उन्होंने कामयाबी हासिल की, बेशक वो एक वज़ीर आज़म बाप की बेटी थी, लेकिन उन्होंने अपने तौर पे भी बहुत मेहनत की, बड़ी स्ट्रगल की। और एक दफ़ा एक अखबार में मैंने आर्टिकल तो मैंने लिख के दिया था एक बंदे को, लेकिन उसने अपने नाम से आगे शाये किया, उसमें जो उन्होंने सक्खर और हैदराबाद जेल में जो टाइम उन्होंने गुजारा था, उसके बारे में मैंने उन्हें डिटेल से लिख के दिया था। तो इंशाल्लाह फिर कभी जब मौका मिलेगा, ज़रूर ज़रूर इंतज़ार करें।